जैसा कि आप जानते हैं कि ईद के चलते जो है बारामूला में हमने लॉकडाउन में कुछ रिलैक्सेशन देखी 3-4 दिनों की, तो उसके बाद जो है दोबारा से हमने लॉकडाउन जो है वो कंटिन्यू कराया। लेकिन इस बीच में हमें पता लगा कि जो है पिछले 1-2 दिनों से लोग जो है एक बहाने दूसरे बहाने जो लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, और बहुत सारी जगहों पे ये पता चला जो है लोग जो है मास्क के बगैर घूम रहे हैं, या बहुत सारी जगहों पे जो है वो घूमने के लिए ऐसे ही चले गए हैं जहां सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा गया है, मास्क का ख्याल नहीं रखा गया है। तो ये चूँकि एक बड़ी तश्वीशनाक बात है, जैसा कि आप जानते हैं डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव केसेस आ चुके हैं, अगरचि बहुत सारे केसेस रिकवर भी होकर वापस घरों को चले गए, लेकिन अगर आप देखेंगे डेथ रेट हर रोज़ जो है 2-3 लोगों की डेथ हो जाती है, जिसमें गुजारिश होगी कि जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लॉकडाउन कंप्लीट लॉकडाउन जो है वो अनाउंस किया गया है, इस पर वो अमल करे, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ताउन करे, ताकि इस बीमारी का मुकाबला किया जा सकता है। अगरचे लॉकडाउन जो है एक अभी तक इफेक्टिव मैकेनिज़म प्रूव हुआ है, इसके अलावा बाकी जितने हमने कोशिश करी लोग मोटिवेट करें, लोगों को बताएं कि SOP से अमल करें, लेकिन अभी तक उतना ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आ रहा है। मेरी लोगों को गुजारिश होगी कि एडमिनिस्ट्रेशन के इस पर जो है एडवाइजरी पे अमल करें, जो भी लोग लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी में मुलवस पाए जाएंगे, चाहे वो मास्क न पहनने के जुर्म में हों, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग न मेंटेन करने के जुर्म में हों, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट वालों को भी यही कहा गया है कि वो बिल्कुल इस दिनों ट्रांसपोर्ट ना चलाएं। मेडिकल इमरजेंसीज को हमने अलाउ किया हुआ है, और मुलाजिमों की गाड़ियां आइडेंटिटी कार्ड पर जो है उनको भी अलाउ किया गया है, और जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज चल रही है उन गाड़ियों को भी अलाउ करना है। लेकिन बाजार पर जो SOPs दिए गए हैं, चाहे मास्क के हवाले से या डिस्टेंसिंग के हवाले से, उनको अमल करते हुए